एक धोबी का गधा था। वह भर कपड़ों का गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता था। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था, अपने गधे के लिए चारा का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था और निकट में कोई चारागाह भी नहीं था। शरीर से गधा बहुत दुर्लभ हो गया था। उस रात उस गधे की मुलाकात एक साही से हुई। साही ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? तो गधे ने बड़े दुखी स्वर से बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है और खाने को कुछ नहीं दिया जाता और रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। साही ने कहा, अब आप समझो कि अब आपके भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में सब्जियों का एक बहुत बड़ा बाग है, वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हैं, गाजर, मूली, खीरे और सलजम की बहार है। मैं बाग को तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है, बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर खूब मज़े से खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लाट टपका तो गधा साही के साथ हो गया। बाग में घुस के गधे ने महीनों बाद भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे। सुबह होने से पहले ही साही अपने जंगल की तरफ चली गई और गधा अपने धोबी की तरफ चला गया। उसके बाद वह रोज रात को उस जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर के खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हो गई। वह झूमने लगा, वह अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। साई चिंतित होकर पूछने लगी, मित्र यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गधा आंखें बंद कर मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने को कर रहा है। अच्छा भोजन होने के बाद गाने को चाहिए, सोच रहा हूँ ढेंचुक राग गाऊं। साई ने तुरंत चेतावनी दी, ऐसा मत करना भाई, गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम यहाँ पर चोरी कर रहे हैं, मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी मेढ़ी नज़र से साई को देखा और बोला, साई भाई तुम तो जंगली ही रहोगे, तुम संगीत के बारे में क्या जानो? साई ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने साई की बात का बुरा मानकर हवा में दुलप्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहा, तुमने मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध मस्ती लय में रैप करते हैं, वह मूर्खों के समझ में नहीं आ सकता। साई बोली, गधे भाई मैं मूर्ख जंगली भले ही सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मान लो, अपना मुंह मत खोलो, बाकी किसान जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख साई, मेरी राग सुनकर बाग के किसान क्या, किसान का बाप भी आएगा, फूलों की माला लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। साई ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख साई, मैं तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होते ही फूलों की माला लेकर लौट सकूँ। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। साई वहाँ से सीधे जंगल की ओर भाग गई। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के किसान जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े और जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी वहां पहुंचे और किसान बोले, यही है दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे किसान गधे पर डंडे के साथ टूट पड़े। कुछ देर बाद गधा पीट पीट कर अधमरा गिर पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह ना मानने का परिणाम हमेशा बुरा होता है।